सरहद पर जान की बाजी लगाते जाबाज, तिरंगे का मान बढ़ाते जवान, मगर बदले में उन्हें मिलता है धोखा। उन्हें लूट रहे हैं उनके अपने, फौज में मेजर कर्नल जैसे पदों पर रह चुके लोग। ये पूर्व सैनिकों की तनख्वाह खा जाते हैं, वर्दी के लिए मिलने वाला पैसा हड़प जाते हैं, और तो और भत्तों पर भी हाथ साफ कर देते हैं। ये पूर्व सैनिकों को छोड़ देते हैं परेशान हाल। ये है पूर्व सैनिकों को न्याय दिलाने की मुहिम, एक सनसनीखेज पर्दाफाश, ऑपरेशन रंग दे बसंती। तो न्यूज एक्सप्रेस में आज ऑपरेशन रंग दे बसंती, मैं हूं सुमित अवस्थी। ऑपरेशन रंग दे बसंती ये नाम है पूर्व सैनिकों को न्याय दिलाने की मुहिम का, एक सनसनीखेज पर्दाफाश का। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि किस तरह पूर्व सैनिकों के साथ धोखा किया जा रहा है। उन्हें धोखा दे रहे हैं उनके ही अपने, फौज के रिटायर्ड ऑफिसर्स। ये रिटायर्ड अफसर पूर्व सैनिकों को अपनी सिक्योरिटी एजेंसी के मार्फत सरकारी कंपनियों में तैनात करवाते हैं, लेकिन हकीकत में दलालों के साथ मिलकर उनकी आधी तनख्वाह तक हड़प जाते हैं। आप भी देखिए किस तरह से एक रिटायर्ड कमांडर पूर्व सैनिकों का हक मारकर दलाली करने में लगा है। पेश है कोबरा बोस के सैयद मसरूर और जमशेद खान की यह हैरत अंगेज रिपोर्ट। मुजफ्फरनगर का खतौली कस्बा, यहां हमारी मुलाकात कमांडर योगेंद्र चौधरी से हुई। चार साल पहले नेवी से रिटायर हुए कमांडर योगेंद्र ने सिक्योरिटी एजेंसी का पेशा अपना लिया है। इनकी एजेंसी का नाम है डॉन सिक्योरिटी। कमांडर योगेंद्र ने हमसे धंधे के कई राज खोले। जाहिर था सिक्योरिटी एजेंसी के नाम पर फौज के रिटायर्ड अधिकारी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ रिस्टेब्लिशमेंट यानी DGR के नियमों की धज्जियां उड़ाते हैं। सिक्योरिटी एजेंसियों में पूर्व सैनिकों की जगह सिविलियंस की तैनाती होती है, और ये पूरा गोरख धंधा सेना के रिटायर्ड अधिकारियों की देखरेख में होता है। कंप्लेंट कर रहा हूँ कि सिविलियन से काम कराते हैं। सिविलियन से काम कराते हैं, ये वो है। बहुत बकवास करता है, मैंने कहा मैं तो क्या, तो मैंने तो DGR को बोला, तो मैंने कहा आप इंक्वायरी कराओ, जिस दिन होगी ये तो ये छोड़ के जाएगा या मैं छोड़ के जाऊंगा। सिक्योरिटी एजेंसी को भाड़े पर दिया जाता है, लेकिन मामले पर पर्दा पड़ा रहे इसके लिए भी सारे उपाय किए जाते हैं। कमांडर योगेंद्र ने भाड़े पर सिक्योरिटी एजेंसी देने का जबानी करार तो कर लिया, लेकिन कागजी करार करने से उन्होंने साफ मना कर दिया। जाहिर है कमांडर योगेंद्र अच्छी तरह जानते हैं कि गैर कानूनी काम का कागजी करार नहीं हो सकता। ये तो कंफर्म है, डॉन सिक्योरिटी के बिहाफ पे हम लोग काम कर रहे हैं, डॉन सिक्योरिटी के लिए हम काम कर रहे हैं। इसका कुछ लेटर वगैरह आप लेंगे सर? डॉन सिक्योरिटी लेटर है कुछ लिख के? नथिंग आई विल गिव, नोबडी विल गिव, ठीक अगर देगा कोई तो उससे बड़ा बेवकूफ कोई। रिटायर्ड कमांडर योगेंद्र ने हमें इस बात की खुली छूट दी कि हम जैसे चाहे जवानों का शोषण करें। सौदा 550 रुपए प्रति गार्ड के हिसाब से तय हुआ। कॉन्ट्रैक्ट शुरू करने के नाम पर कमांडर योगेंद्र ने हमसे 5000 रुपए लपक लिए। 5000 लेके जा रहा हूँ मैं आपको, आपका हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ ना कि हम आपकी डॉन सिक्योरिटी के लिए काम करेंगे, तो ये उसके टोकन अमाउंट है 5000 रुपए, आप गिन लीजिए सर। मैं देख किसी और से गिनवाऊंगा सर। एक बार नहीं, एक बार मैं नहीं गिन सकता। नहीं अच्छा, थोड़ा गिन सकता मैं, गिन लूँ सर आप गिन। अच्छा मम्मी से गिनवाएंगे? नहीं 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 नहीं, 5000 है सर टोकन अमाउंट है। गॉड ब्लेस यू, आपकी डॉन सिक्योरिटी आप ओनर हैं उसके, मैं सिविलियन हूँ, मैंने आपका कॉन्ट्रैक्ट ले लिया। साफ जाहिर है सिक्योरिटी एजेंसी के नाम पर मनमानी हो रही है, और इस गोरख धंधे में पिस रहे हैं सेना के पूर्व जवान। सेना के पूर्व जवानों के साथ नाइंसाफी और डायरेक्टरेट जनरल ऑफ रीस्टैब्लिशमेंट की आंखों में धूल झोंककर चल रहे इस गोरख धंधे को सामने लाना बेहद जरूरी था। तहकीकात के दौरान हमें पता चला कि इस रैकेट में BSNL के आला अधिकारी भी शामिल है। आप भी देखिए बरेली BSNL दफ्तर का AGM किस तरह चंद रुपयों के लिए दलालों की भाषा बोल रहा है। यह है बरेली का BSNL दफ्तर। यहां हमारी मुलाकात हुई BSNL के जनरल मैनेजर RC आर्य से। GM साहब को हमने चारा फेंका, कहा हम BSNL के दफ्तर में सिक्योरिटी एजेंसी के मार्फत धंधा करना चाहते हैं। GM
आरसीआरए ने हमें एजीएम वी के भास्कर के पास भेज दिया। सौदा पक्का करने के लिए हमने रिटायर्ड मेजर चरण सिंह सागी का सहारा लिया। पहली ही मुलाकात में एजीएम भास्कर ने एडवांस की रकम लपक ली। हमने उसे 20,000 रुपए बताकर 10,000 रुपए ही दिए। ये हमारी एक चाल थी जिसमें आगे चलकर रिटायर्ड मेजर सागी का भी पर्दाफाश होने वाला था। ये सर 20,000 रुपए है BSNL का कॉन्ट्रैक्ट दिलवाने का बरेली का, अब कॉन्ट्रैक्ट हमारा है। टोकन अमाउंट है सर 20,000। अब मैं मान के चलूँ सर कि कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिल रहा है BSNL सिक्योरिटी गार्ड बरेली में। नहीं, मैं उनसे तो बात कर लूँगा, मुझे आपसे भी थोड़ा एश्योरेंस चाहिए ना। हाँ, तो तभी तो कह रहा हूँ। अच्छा, दूसरा ये भास्कर जी कि 6 लाख जो मैंने कोर्ट किया है कमीशन, ठीक है कि आप ज़्यादा चाहते हैं, क्या चाहते हैं मुझे बिल्कुल स्पष्ट बता दीजिए सर। पहले बात तो करो यार। एजीएम भास्कर ने हमें सेना के रिटायर्ड मेजर सागी से मिलने को कहा। हम ये जानकर हैरान रह गए कि हमारे पहुंचने से पहले ही BSNL के एजीएम वी के भास्कर ने सांगी को फोन पर बता दिया कि उसे कमीशन के 20 नहीं बल्कि 10,000 रुपए मिले हैं। आप कितने दे के आए हो? अभी मैं उसको भास्कर जी को 20,000 रुपए टोकन अमाउंट दे के आया। जी याद कि मैंने फोन के सर उन्होंने मुझे 20 कहा, मगर ये 10 है। आपको 10 बोला? अभी मेरे को एकदम फोन किया उन्होंने कि मेरे को उन्होंने 20 कहा है, बट व्हेन आई कॉन्टैक्ट दिस इज 10। बात करी आप अभी? अरे मैंने क्या बात करी, मेरे को तो उन्होंने रिंग कर लिया। एक तो हो गया 20 नहीं है। नहीं नहीं, एक नहीं, एक तो हो गया। बीच में नेट प्रॉब्लम हो गया। ये सही कह रहा हूँ, इसका कल 10 ही होंगे। लाइट चली गई थी ना? लाइट चली गई। हाउ मच ब्लंडर इज दिस? ही विल नॉट बिलीव। इमीडिएटली फोन में कि मैं ऐसी ऐसी बात नहीं, मेरे को एक एक इंच पक्का पता है व्हाट एवर ही हैज स्पोकन टू यू व्हाट ही वाज डूइंग। रिटायर्ड मेजर सागी ने हमें बताया कि बरेली के BSNL दफ्तर में सिक्योरिटी गार्ड की तैनाती के लिए अधिकारियों को मोटी रकम कमीशन में देनी पड़ती है। मुलाकात खत्म होने से पहले मेजर सागी ने हमसे वो 10,000 रुपए भी ले लिए जो हम AGMB के भास्कर से बचा कर लाए थे। एक जगह गलती हो चुकी है, ये भी कभी गिनती में गलती में मत गया ना कभी किसी। नहीं, गलती से तो नहीं। कॉन्ट्रैक्ट लेने टाइम, देने टाइम, पैसा पकड़ाने टाइम, इसमें भी कंपनी माफिया जो होती है वो कभी किसी पर डिसबिलीव नहीं करती, ठीक है। ये कभी भी मत कहना लो सर इतना है गिन लो। गलती हो गई ना 10 का 20। आपने बोल रहे, आपको बता रहा हूँ सभी ऐसा है कि 10,000 हमने ये टोकन अमाउंट दे दिया आपको, आपको कॉन्ट्रैक्ट हमें दिलवाना है। गुप्ता जी या कोई भी XYZ हमारे कॉन्ट्रैक्ट को हमसे ना छीन, ये कॉन्ट्रैक्ट हमारी ही कंपनी को मिलना चाहिए। सेना के रिटायर्ड मेजर सागी ने 36 साल फौज में बिताए हैं, लेकिन अब वो सिक्योरिटी एजेंसी के नाम पर जवानों का ही हक मारने में लगे हैं। तो आपने देखा बरेली BSNL के AGM वी के भास्कर को चंद रुपयों में बिकते हुए, सुरक्षा एजेंसी के नाम पर पूर्व सैनिकों का शोषण करते हुए। अब बात करते हैं खुद वी के भास्कर से, जो इस वक्त हमारे साथ बरेली से सीधे मौजूद हैं। भास्कर साहब, आपने देखा ये तस्वीरें आपकी ही हैं, आप मानते हैं? हेलो भास्कर साहब, अभी हमने दिखाया कि आप कैसे 10,000 रुपए ले रहे थे, आपको 20,000 रुपए के नाम पर 10,000 रुपए दिए गए और आपने वो पैसे लिए हैं, आप मानते हैं वो तस्वीरों में आप ही हैं? हेलो बोलिए भास्कर साहब। हेलो, आपको हमारी आवाज आ रही है? नहीं, आवाज आ रही है, पिक्चर आपने कौन सी दिखाई, वो तो आई नहीं। अभी हमने दिखाया कि आपने हमारे रिपोर्टर से पैसे लिए हैं, आप गार्ड लगाने के लिए रिश्वत मांग रहे थे, 20,000 के नाम पर आपको दिए गए 10,000 रुपए। बिल्कुल भी नहीं, गलत है। तस्वीर में आप साफ दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं। कैमरा झूठ नहीं बोलता है, कैमरे में आप साफ दिख रहे हैं।
बिल्कुल गलत है ये। आप नहीं मानते कि वो आप हैं? हैं? आप कैमरे में अभी दिखाया। एक बार फिर से आपको दिखाई देते हैं, अगर आपको याद नहीं आ रहा, आपकी याददाश्त ताजा कर देते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं कि आपने क्या कहा था। ये सर 20,000 रुपए हैं, BSNL का कॉन्ट्रैक्ट दिलवाने का बरेली गया आपको, आप कॉन्ट्रैक्ट हमारा है। टोकन अमाउंट है सर 20,000। अब मैं मान के चलूँ सर कि कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिलना है BSNL सिक्योरिटी गार्ड बरेली में। नहीं, मैं उनसे तो बात कर लूँगा, मुझे आपसे भी थोड़ा एश्योरेंस चाहिए ना। हाँ तो तभी तो करूँगा। अच्छा, दूसरा ये भास्कर जी के 6 लाख जो मैंने कोट किया है कमीशन, ठीक है कि आप ज़्यादा चाहते हैं, क्या चाहते हैं मुझे बिल्कुल स्पष्ट बता दीजिए सर। पहले बात तो करो यार। देखा आपने भास्कर साहब, जिस तरीके से आप साफ तौर पर तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, आप खुद देख रहे थे अभी टीवी को? टीवी तो स्क्रीन नहीं है। आपने सुना, आपकी आवाज थी है? आपने पैसे लिए हैं, आप कैमरे पे रंगे हाथों पकड़े गए हैं? बिल्कुल भी नहीं जी। आप रंगे हाथों पैसे मांग रहे हैं गार्ड लगाने के लिए, कमीशन मांग रहे हैं? नहीं जी, बिल्कुल नहीं, सवाल ही नहीं उठता जी। तो आप कह रहे हैं कैमरा झूठ बोल रहा था? आप कह रहे हैं कि जो कैमरे में दिख रहा है वो सब गलत है? अब कैसे क्या किया मुझे तो समझ में नहीं आता। साफ तौर पर हम शक्ल मिला सकते हैं, आप कैमरे पे दिख रहे हैं, आपको हमारे रिपोर्टर ने 20,000 रुपए दिए जो कि 20,000 नहीं थे, केवल 10 थे। उसके बाद आपने कर्नल मेजर सागी को फोन करके बोला कि ये 20,000 बोलकर केवल 10,000 दे गए हैं। बिल्कुल भी नहीं, सब गलत है जी। हाँ, किसी तरह का कोई खौफ नहीं आपके मन में? सरेआम झूठ बोल रहे हैं आप? हाँ जी, आप सरेआम झूठ बोल रहे हैं, पूरा देश ये दोनों तस्वीरें एक साथ देख रहा है। अरे बिल्कुल भी गलत है ये। आप साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं पैसा मांगते हुए, पैसा लेते हुए, पैसा रखते हुए। ऐसा नहीं मांगा उन्हें। आपको क्या एक बार फिर से याद दिलाएं, क्या फिर से दिखाएं वो तस्वीरें? सुनना चाहेंगे अपनी भाषा? हाँ बताएं, सुनाएं। एक बार ध्यान से सुनिएगा, एक बार फिर से आपको सुनाते हैं कि आपने कितने पैसे मांगे थे। ये सर 20,000 रुपए हैं, BSNL का कॉन्ट्रैक्ट दिलवाने का बरेली गया आपको, आप कॉन्ट्रैक्ट हमारा है सर। टोकन अमाउंट है सर 20,000। अब मैं मान के चलूँ सर कि कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिलना है BSNL सिक्योरिटी गार्ड बरेली में। नहीं, मैं उनसे तो बात कर लूँगा, मुझे आपसे भी थोड़ा एश्योरेंस चाहिए ना। हाँ तो तभी तो करूँगा। अच्छा, दूसरा ये भास्कर जी के 6 लाख जो मैंने कोट किया है कमीशन, ठीक है कि आप ज़्यादा चाहते हैं, क्या चाहते हैं मुझे बिल्कुल स्पष्ट बता दीजिए सर। पहले बात तो करो यार। तो देखा आपने साफ तौर पर, आप पैसे मांग रहे हैं गार्ड लगाने के लिए, कमीशन मांग रहे हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं मांगे। नहीं मांगे? तस्वीरों में आप साफ पैसा लेते हुए देखे गए हैं। हमने कोई पैसा नहीं लिया। नहीं लिया है? आपके आपकी ऑफिस में आप बैठे हुए हैं, VK भास्कर का नेम प्लेट वहां लगा हुआ है, आप बैठे हुए हैं, आप नहीं मानते हैं सर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप AGM लेवल के अधिकारी हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं, नंबर 2 अधिकारी हैं बरेली संभाग के आप, और इस तरह की काम कर रहे हैं, कुछ शर्म कुछ हया? नहीं, अगर लिया मतलब जो है कोई एलिगेशन भी तो सही लगे क्या सर? एलिगेशन लगने की जरूरत नहीं, साफ तौर पर कैमरे में दिख रहा है, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। GM आर्या साहब ने आपके पास भेजा, मेजर सागी को आप जानते हैं, इनकी मदद से ये पूरा रैकेट चला रहे हैं आप लोग? नहीं, कोई आप तो जो है कोई रैकेट ही नहीं है। कहाँ का कौन सा रैकेट है? आप मेजर सागी को जानते हैं? हाँ जी, मेजर सागी को जानते हैं आप? जानते हैं, वो पहले जो एजेंसी थी उसके वो यहाँ पर वो देखभाल करते थे, रिप्रेजेंटेटिव थे उसके। और अब? अब तो दूसरी एजेंसी काम कर रही है। चलिए, आप उनको जानते हैं, इतना आपने माना, हम आपको और भी दिखाएंगे और भी बातें करेंगे आपके साथ। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो BSNL के कुछ और बड़े अधिकारियों का पर्दाफाश जारी रहेगा।